नमस्कार आदरणीय इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। विश्वकर्मा पंचाल ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह में नौ जोड़े बने जीवन साथी। आपको बताते चले, प्रयागराज के भारत स्काउट एवं गाइड मुख्यालय में विश्वकर्मा पंचाल ब्राह्मण सभा एवं सामाजिक चेतना मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह नौ जोड़े के साथ सम्पन्न हुआ। वहीं मनु विश्वकर्मा ने बताया कि ये छठवां सामूहिक विवाह है और उन्होंने कहा कि पहले से ही रिश्ते निर्धारित होते हैं और दहेज में गृहस्थी के सामान देते हैं और हम लोग किसी भी तरह के शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं। जो आपका यहाँ पे सार्वजनिक सामूहिक विवाह हुआ है, तो कितने जोड़ों का विवाह हुआ और कौन से सन का युक्ति में कब से चल रहा है आपका? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भैया पीछे सड़ जाइए थोड़ा सा। यह विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण सभा एवं सामाजिक चेतना मिशन उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में यह सर्व जाति सामूहिक विवाह का छठवां आयोजन है और जिसमें इस बार हम लोगों ने नौ जोड़ों का विवाह सामूहिक विवाह के आयोजन के माध्यम से करवाया। कर्चे जुड़े हैं, किस तरह से आयोजन होता है और क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीज़ें बताइए। देखिए, हमने बताया कि सर्व जाति सामूहिक विवाह का यह आयोजन है और जिसमें रिश्ते पहले से निर्धारित रहते हैं। दहेज में हम लोग उनको गृहस्थी के सामान देते हैं। शादी हमारे यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क है। हम किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन शुल्क या और किसी भी तरीके से उनसे कोई शुल्क लेने का प्रोविजन हमारी संस्था में नहीं है। उस धर्म और उस व्यवस्था में उनकी सुविधा के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक हम लोग जयमाल के बाद मंडप में सामूहिक विवाह करवाने का कार्यक्रम। अपना परिचय बता दें। पंकज मनु, संयोजक सामूहिक विवाह 2019।